Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दार में खास बात यह है कि आई विल गेट टू परफॉर्म अ लॉट, और एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात होती है अगर उसके कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स हो तो आपको एक तरह से आपकी भूख मिट जाती है फॉर बीइंग एन एक्टर. सो दिस कैरेक्टर इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, इसके काफ़ी शेड्स हैं और स्टोरी भी बहुत वंडरफुल है. प्लस इट्स हॉरर, आई लव हॉरर मूवीज. सो यस, आई एम थ्रिल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी एंड आवर डायरेक्टर इज ऑसम. So I'm just looking forward to work with him. डिफरेंस कुछ भी नहीं है, दोनों जगह सेम ही है. आप पर डिपेंड करता है हाउ यू टेक इट. सर आपसे जानना चाहूँगा, एज अ बिजनेस मैन थे आप पहले, तो क्या आपको अट्रैक्ट किया फिल्म्स की तरफ, अगर कुछ पता है, और किरदार के बारे में थोड़ा सा. एक्चुअली एक्टिंग मुझे बचपन से ही बहुत इंस्पायर करती थी. कहीं ना कहीं अगर मैं बिजनेस में भी एंटर हुआ तो बॉलीवुड को लेके ही एंटर हुआ था. मुझे एक दिन मुंबई आना था और आज मैं आपके सामने हूँ. और जहाँ तक करेक्टर की बात है, इसमें ये करेक्टर मेरी पर्सनल लाइफ से बहुत मैच करता है, बहुत ज़्यादा मैच करता है, क्योंकि इसमें भी मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और आई थिंक मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी ये करेक्टर निभाने में. इट्स अ गुड. मैंने इनके म्यूजिक, मैं टीवी तो नहीं देख पाया मगर मैंने म्यूजिक वीडियो देखे हैं इनके. थैंक यू. म्यूजिक वीडियो देखा है, ये नोट करना भाई. मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वो है, बिकॉज म्यूजिक इज व्हाट इज माय पैशन इज एंड आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग. सो आई एम थैंकफुल. थैंक यू. थैंक यू.